So hello everyone, this is your friend Monir Zaman Bapi here. So once again I am back with a new topic of English grammar. So आज का जो टॉपिक होगा वो मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ. इट्स अबाउट जीरान, GERUND, जीरान. सो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को पहले क्या समझाता हूँ वो है द मेन कॉन्सेप्ट. द मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो चीज़ क्या है. अगर हम लोग एक चीज़ का बारे में मेन थिंग जान गए तो वो चीज़ हम लोगों को स्टडी करने में और समझने में, उसको मतलब लेंथ वे में लिखने में या समझने में या पढ़ने में हम लोगों को इजी हो जाता है. सो आई वुड लाइक टू गिव यू द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द जीरान. सो व्हाट इज जीरान? जीरान क्या होता है? एक सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में नाउन का काम करता है. सो ये नाउन वर्ब से बनाया जाता है. जैसे मैं एग्जांपल देंगे, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. तो वी ऑल नो कि वॉक इज ए वर्ब. सो ये वर्ब के साथ हम लोग जब ing ऐड करके उसको एक सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज करते हैं, देन दैट बिकम्स जीरान. सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर हेयर कि व्हाट इज जीरान? जीरान है वर्ब वर्ड के साथ ing ऐड करके उसको एक सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज करना. सो अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, स्विमिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज. तो स्विम क्या होता है? एक वर्ब है. स्विम के साथ हम लोग क्या किया? ing जो किया. जैसे यार्न एक वर्ब है. जैसे हम लोग कुछ बोलता है ना कि दैट पर्सन इज यर्निंग वेरी गुड, वो बंदा बहुत अच्छा इनकम कर रहा है. तो वहाँ पे यर्न एक वर्ब है. अगर ये यर्न को हम ing ऐड करके इसको नाउन के तौर में बैठाएंगे तो कैसे करेंगे? अभी ये है आपका क्वेश्चन. तो यर्निंग इज एन आर्ट, कमाना एक तरीका का कला होता है, लोगों का कला होता है. सो ये यर्न को मैंने वर्ब में लाके वर्ब आई यूज एज ए वर्ब एंड आई एडेड जस्ट ing विद दैट वर्ब. ओके, सो तो मेन कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लिया. वर्ब के साथ ing जोक करके उसको नाउन के जगह में बिठा के एक सेंटेंस को फॉर्म करने से वो जो नाउन के जगह में वर्ब के साथ ing ऐड किया तो उसको ही जीरान बोलता है. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द जीरान. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मे बी इन योर लाइक जो हम लोग आप लोगों का क्लास एग्जाम होता है, मतलब ईयरली बेसिस में सेमिस्टर हो या कोई भी एग्जाम में आपको आए, तो आई थिंक यू वुड एबल टू आंसर अबाउट दिस. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द जीरान. सो कैन आई से बाय? सो बाय बाय फॉर द डे. स्टे वेल, स्टे सेफ, कीप अप लर्निंग. दुआ में ही आता है.